नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोल्ड फिल्म मिरर। नियामतपुर एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा एवं आसनसोल नगर निगम और शनाका हॉस्पिटल दुर्गापुर के सहयोग से नूरनगर स्थित संस्था के भवन में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में शनाका हॉस्पिटल के चिकित्सकों डॉक्टर मणिरोल मंडल, डॉक्टर निहालुद्दीन और नर्स अनिता दे ने लोगों को स्वास्थ्य जांच किया। इस दौरान लगभग 164 लोगों का स्वास्थ्य जांच हुआ, जिसमें 12 मरीजों को क्रिटिकल इलनेस के लिए चयनित किया गया, जिनका शनाका हॉस्पिटल में निशुल्क इलाज किया जाएगा। शिविर में आसनसोल नगर निगम के MIC देवेंदु भगत मुख्य अतिथि स्वरूप उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि आज नियामतपुर एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन ने ननी और शनाका हॉस्पिटल के सहयोग से स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया है, जिसके माध्यम से लोगों को चिकित्सकीय सेवा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि आसनसोल नगर निगम द्वारा लगातार स्वास्थ्य सेवा लोगों को दी जा रही है। स्वास्थ्य जांच शिविर में जो क्रिटिकल मरीज हैं उनका स्वास्थ्य साथी कार्ड से इलाज होगा। जिनका कार्ड नहीं है उनका 24 घंटे में कार्ड बनवाकर इलाज कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि उल्टी क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केंद्र को सुचारू कर स्वास्थ्य सेवा को सरल व सुगम किया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्था के सचिव ब्रज बिहारी लाल के अलावा सागिर हुसैन, MD तनवीर, MD मुनव्वर का अहम योगदान रहा है। এডুকেশন এন্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শানাকা হসপিটাল, যেগুলো প্রাইভেট, নিয়ামতপুর সোশ্যাল, নিয়ামতপুর এডুকেশন এন্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি আর ওর ইহাঁ পর শানাকা হসপিটাল কি সহযোগ সে আজ ইহাঁ পর হেলথ চেক আপ ক্যাম্প কাজ শুরু কিয়া গিয়া হ্যাঁ। আর ইস তর হেলথ চেক আপ ক্যাম্প হর জায়গা হর সময় হাম লোক প্রত্যেক 106 ওয়ার্ড মে করাতে হ্যাঁ। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का उद्योग से हम लोग आउटरीच कैंप भी करते हैं, हम लोग सीनियर सिटीजन कैंप भी करते हैं। उसके साथ साथ आप विशेष करके जो हम लोग देखते हैं जहाँ पर दवा देने का बात होता है तो हम वहाँ पर लोगों को दवा का परिसेवा भी देते हैं। इसके सिवाय यहाँ पर हम लोग का 6 UPSC अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जहाँ से लोगों को सुविधा हर वक्त मिलते जाता है। और आप लोग को मालूम होगा जो एक PSC था वो PSC को हम लोग UPSC में तबादला कर दिए हैं आई रिसेंटली। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए महिला लोग जिन लोग हैं सब समय अपने काम में हर वक्त अपने घर के संसार में व्यस्त रहते हैं, लेकिन उन लोग अपना स्वास्थ्य जांच करने का बस स्वास्थ्य परीक्षा करने का समय अवसर ही नहीं मिलता है। तो इसीलिए हाँ MD जाकिर यहाँ का काउंसिलर उनके उद्योग से आज यहाँ पर जैसे महिला लोग आए यहाँ पर कैंप में उन लोग को बुलाकर इस तरह के स्वास्थ्य जांच शिविर करवाएं। और अगर किसी का जो भी कोई ऑपरेशन का जरूरत हो तो साथ ही साथ इन लोग को ले जाके हम लोग ऑपरेशन भी करवा देते हैं। और इसके साथ साथ अगर किसी का अगर स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं है तो विद इन 24 आवर्स के अंदर हम लोग उन लोगों को स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाकर उनका स्वास्थ्य परिसेवा हम लोग देते हैं। और जैसा कि दादा NGO में पूरा घूमे आप, तो क्या क्या देखने को मिला यहाँ पे और कैसा लगा? एडुकेशन के ऊपर इसके साथ स्वास्थ्य शिविर लगाया जाता है, इस सोशल वर्क्स का काम है ये NGO से कर रहा है जाकिर। धन्यवाद। आज यहाँ पे किस लिए आए आप लोग? फ्री हेल्थ चेकअप कैंप के लिए आए। मेरा 400 बेड का मेडिकल कॉलेज है, तो हम दुर्गापुर शनाका हॉस्पिटल से आया। हम लोग फ्री इधर मेडिकल चेकअप इधर कैंप कर रहा। हम लोग फ्री में गोल्बास्टोन, अपेंडिक्स, जांच, एनी जांच करते हैं, डायग्नोस करते हैं, ऑर्थोपेडिक केस, कार्डियक केस हम लोग तो फ्री में करता है। तो कैसा लग, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मरीज में मतलब क्या शिकायतें आ रही है द्वारा? ज़्यादातर क्या मर्ज देखा जा रहा है? ज़्यादा के लिए आप हम लोग ऑर्थोपेडिक का गायनो मरीज देख रहा है, ज़्यादा ऑर्थोपेडिक गायनो। कितने टोटल यहाँ पे कितने डॉक्टर आज आए हैं चेकअप करने? दो डॉक्टर आया, दो डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ ऐसा आया है। आप लोग हम लोग फ्री में ECG, ब्लड शुगर, प्रेशर, वेट ऐसा कर रहा था।
जो ओटी केस होगा उसको हम एडमिशन के लिए सोनाका में सजेस्ट कर रहे हैं, सोनाका में एडमिशन के लिए। आपका परिचय? हाँ, मैं डिप्टी मैनेजर सोनाका हॉस्पिटल, डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग सोनाका हॉस्पिटल। अपना नाम? मुनिरुद्ध मंडल। आज यहाँ पे किसने आना हुआ है आप लोग? कहाँ से आए आप? किस तरह का पेशेंट यहाँ पे आप लोग फेस कर रहे हैं खासकर? अभी तो फिलहाल याद दे रहे हैं कि अथॉरिटी से कुछ पैसा का पेशेंट है, शुगर पेशेंट हुए हैं, कुछ कम मिले अभी तो सारा पेशेंट देखना हुआ नहीं, बहुत सारे पेशेंट लोग में हैं अभी लाइन में खड़े हैं, रजिस्टर हो चुका, देखना बाकी है। अच्छा, ये जो फ्री हेल्थ चेकअप है इसको किस नज़र से देखते हैं आप? फ्री हेल्थ चेकअप जो है इसकी वजह से हम लोग जो भी समझ लीजिए नीचे तबके के लोग हैं जो सही ट्रीटमेंट नहीं पाते हैं, जिनके पास आधार कार्ड है मौजूद, उनके लिए हम फैसिलिटी दे रहे हैं कि उनको साथ ही साथ कुछ अगर ऐसा निकला है, मान लीजिए उनका ट्रीटमेंट है प्रेस्क्रिप्शन करके नहीं हो रहा, उनका कोई अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा है तो हॉस्पिटल ले जाके हम साथ में गाड़ी में ले जा रहे हैं, साफ सफाई गाड़ी के लिए उनको एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन होने के बाद वहाँ पर जो है ट्रीटमेंट पूरा बिल्कुल फ्री होगा, आने की छुट्टी के टाइम उन लोग को भड़क दिया जाता है, तो जो लोग ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पा रहा है, उन लोग के लिए अच्छा मौका है। अच्छा, काम तो हम लोग करते रहते हैं अक्सर इस एरिया में, कई बार कर चुके हैं पहले भी। फ्री हेल्थ चेकअप के दौरान कभी ऐसा हुआ है कि आपको ऐसा पेशेंट देखने को मिला जो कि मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी था आपके पास में मतलब आना? आज तो अभी फिलहाल नहीं मिला है, लेकिन हाँ ऐसे फ्री हेल्थ चेकअप मिलता है, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी उनको मालूम ही नहीं कि मेरा क्या बीमारी है। एनजीओ के बारे में क्या कहिएगा? एनजीओ के बारे में क्या कहिएगा? एनजीओ के बारे में है कि एनजीओ मतलब क्या है, एनजीओ कह रहे या एनजीओ ग्राम के बारे में कह रहे हैं? नहीं, ये जो एनजीओ में आज आप आए हैं। अच्छा, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है? जी जी जी। एनजीओ तो अच्छा काम करती है, लोग तो चाहती है कि सेवा करें, सेवा का चिंतन भावना है, लोग सेवा करते रहते हैं, इस तरह का प्रॉब्लम लोग अक्सर करते हैं। आपको हॉस्पिटल में मतलब किस तरह का पेशेंट को खासकर आपका हॉस्पिटल में देखा जाता है? हम लोग हॉस्पिटल में तो हम तो फिजिशियन है, इसलिए हम लोग सभी पेशेंट आता है मेरे पास, अब जो मेरे डिपार्टमेंट का नहीं है उसको रिफर कर देते हैं। जो हाँ, आपका परिचय? मैं डॉक्टर मोहम्मद निहालुद्दीन। क्या प्रोग्राम आज हम लोग का जो प्रोग्राम था फ्री हेल्थ चेकअप सेंटर, कॉर्पोरेशन का सहयोग से, सोनाका हॉस्पिटल के सहयोग से आज हम लोग यहाँ पे एडुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन में या बिल्डिंग में एक प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें हमारे इलाके से और भी इलाके से क्षेत्र से बहुत जन अपने फ्री हेल्थ चेकअप सेंटर में आए, अपना अपना जाँच करवाए, जिसमें करीब करीब 150 से ऊपर लोग, 188 का रिकॉर्ड अभी तक हम लोग देख रहे हैं, फिर भी अभी चल रहा है, और उसके साथ साथ जो भी पेशेंट को अगर किसी तरह का क्रिटिकल ऑपरेशन की जरूरत है, हम लोग अभी 12 पेशेंट मिला था जो अभी सनाका के और एम्बुलेंस के जरिए उसे हॉस्पिटल भेजा जा रहा है, वहाँ ऑपरेशन होगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, और जिसका हेल्थ कार्ड अगर नहीं है तो हमारे देवेंद्र भगत जी कहे हैं कि 24 घंटे के अंदर उसका हम लोग बना करके उसको हम लोग ट्रीटमेंट चालू कर संस्था के द्वारा करके कार्यक्रम होता है? हमारे संस्था के अंदर बहुत तरह के कार्यक्रम हैं, अभी फिलहाल अभी हम लोग आई के कैंप लगाए थे जिसमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन है, जिसमें हम लोग 35 तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन मिला है, जो 22 तारीख को ऑपरेशन आसनसोल पुण्य दृष्टि हॉस्पिटल में होगा, जो 22 तारीख को हम लोग पेशेंट को हम लोग ले जाएंगे अपने खर्च के से, और अपने खर्च के हिसाब से लोग फिर ले के भी आएंगे और सबके अपने घर में पहुँचाएंगे। इससे पहले भी हम लोग 10 जनवरी को किए थे, उसमें 70 पेशेंट मिला था, 70 में से आपका 65 पेशेंट का ऑपरेशन हुआ, बाकी 2-4-5 प्रेशर और शुगर के चलते नहीं हो पाया, जो इस लॉट में वो जा रहे हैं। भविष्य में यहाँ पर है बहुत तरह का मतलब एजुकेशन और स्वरोजगार पे, लड़की लोग का ट्यूशन सेंटर है, इसके अलावा सिलाई कढ़ाई का ट्रेनिंग का सेंटर है, इसके साथ साथ कॉम्पिटिशन लाइब्रेरी है जहाँ पर हर इलाके के बच्चे आकर के अपने कंपटीशन के एग्जाम का तैयारी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, और हम लोग इसको बहुत दिनों से कर रहे हैं, और इसको आगे अभी हम लोग ले जाने का बहुत सारा का प्रोग्राम है, जैसे कि कंप्यूटर लैब जून महीने से हम लोग चालू हो जाएगा, और उसके साथ साथ में आपके
अप्रैल महीने से दो एम्बुलेंस हम लोग इस संस्था में नए जोड़ने जा रहे हैं जो आपके फर्स्ट में इलाका में सर्विस दें। वर्तमान में तो यहाँ एम्बुलेंस सेवा है? वर्तमान में ऑलरेडी एक एम्बुलेंस है, तो एक ही एम्बुलेंस होने की वजह से बहुत सा हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है कि एक एक टाइम में अगर चार पांच आदमी की ज़रूरत पड़ जाता है तो हम एक ही आदमी को दे पाते थे। इसको देखते हुए हम लोग अप्रैल में दो एम्बुलेंस और मंगवा रहे हैं ताकि लोगों को निराश ना हो। आपका नाम? मोहम्मद जाकिर हुसैन, वार्ड काउंसिलर भी हूँ 59 से और संस्था का प्रेसिडेंट भी। क्या चेक? बॉडी का चेकअप। बॉडी चेकअप करवाना? इस तरह का काम होने से कैसा लग रहा है, फायदा है आप लोगों को इससे? अभी तो चेकअप हुआ नहीं। नहीं नहीं, इससे पहले यहाँ पे और कभी आए हैं? हाँ, आग दिखाया। आग दिखलवाए हैं, फायदा हुआ था? हाँ। आपका नाम क्या हुआ? नाम दानाथ पानो। किस लिए आए थे यहाँ पे? किस लिए आए यहाँ पे? बॉडी का चेकअप कराने आए हैं। करवा लिए हैं? टेस्ट हुआ? अरे नहीं हुआ। तो किस तरह से यहाँ पे नंबर वगैरह लगाए हैं? हाँ, नंबर में है। चेकअप किनका चेकअप करवाना है? आपका नाम?